लेट अस सी, अब देखते हैं. राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन. इसमें क्या बताया कि राइट द नेम ऑफ ए बर्ड्स, उस बर्ड का नाम बताओ विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, जिसके आँख उसके सर के सामने होते हैं. जिसके आँख सामने होते हैं उस बर्ड्स का नाम लिखो. लाइक इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या, कहाँ पे रहता है आईज, सामने में रहता है, किसी वस्तु को सामने से देख पाते हैं. राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. कुछ बर्ड्स का नाम लिखो जिसके आँख उसके सर के दोनों साइड होते. राइट व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड. उसके हेड के कंपैरिजन में उसके आँख का साइज क्या होता है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. ज़्यादातर बर्ड्स के जो आँखें होती है वो उसके सर के दोनों साइड होती है. देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम. उनकी आँखें एक साथ दो वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि वो सर के दोनों साइड होती है. When they look straight ahead, जब वो ठीक सामने देखता है, both their eyes focus on the same object, तब उसकी आँख एक ही चीज़ पर फोकस करती है, एक ही चीज़ को देख पाती है. कब? जब वो सामने देखती है. You must have seen birds moving their neck very often. Very often मतलब प्रायः, हमेशा. You must have seen, तुमने अवश्य देखा होगा कि birds जो होती है वो अपने neck को बार बार हिलाते रहती है, बहुत बार हिलाती है. Do you know why? पता है क्यों? In most of the birds, eyes are fixed. ज़्यादातर पक्षियों में, in most of the birds means ज़्यादातर पक्षियों में आईज आर फिक्स्ड, आँख जो है वो फिक्स होता है. एंड कैन नॉट मूव, और वो मूव नहीं होता. जैसे हम लोग आँख को मूव करके कोई इधर उधर देख लेते हैं बिना सर हिलाए हुए, ऐसे पक्षियों में नहीं होता है. बहुत सारे पक्षियों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी आँखें फिक्स होती हैं. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. तो क्या करना होगा, उसके सर को ही हिला के दूसरी ऑब्जेक्ट को, दूसरे किसी वस्तु को देखना होगा. ठीक है. लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. अब क्या है इसमें कि एक आँख या दो आँख से देखना किसमें कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग. क्लोज योर राइट आईज, अपने राइट आई को क्लोज करो. और कवर इट विद योर हैंड, और अपने हाथ से ढक लो. टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन. टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट. तो अपने दोस्त को बताओ कि राइट साइड बैठे कुछ दूरी पर. एंड आस्क हिम टू डू एक्शन, और उसको बोलो कि कुछ एक्शन करे, जैसे हाथ हिलाना, सर हिलाना इत्यादि. वेव हैंड, हाथ हिलाना, शेक हैंड, सर हिलाना, etc. वुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक. क्या तुम बिना सर को हिलाए अपने दोस्त को एक्शन को देख सकते हो, अपने दोस्त के एक्शन को देख सकते हो. कुड यू सी, तुम देख पाते हो योर फ्रेंड्स एक्शन, अपने फ्रेंड के एक्शन को, विदाउट मूविंग योर नेक, बिना अपने गर्दन को हिलाए. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद योर With both your eyes open, but without moving your neck. अब क्या करो, now try to look at your friends. अब तुम अपने friends के action को देखने की कोशिश करो with both your eyes, अपने दोनों आँख से. both your eyes open, दोनों आँख को खोल के. but without moving your neck, अपने गर्दन को बिना हिलाए दोनों आँख खोल करके अपने friends के action को देखो. What was the difference on looking with one or both eyes? एक आँख से देखने में और दोनों आँख से देखने में क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आएगा? एक हाथ से
अगर एक आंख हम क्लोज कर लिए एक हाथ से तो चीज़ें अस्पष्ट नहीं दिखती है, हमको गर्दन घुमाना पड़ेगा, और अगर दोनों आंखें खुली रहती है तो देखने में आसानी होती है। ठीक है, नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब क्या करो, एक स्मॉल बॉल या कॉइन को, बॉल मतलब तो गेंद होता है, कॉइन मतलब सिक्का, को टॉस करो। टॉस मतलब उसको ऊपर उछालो। एंड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन, दोनों आँख खोल करके कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। देन क्लोज योर वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अब क्या करेंगे, एक आँख को बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। देन वॉज इट ईजियर टू कैच, तब क्या ये कैच करना आसान होगा? नहीं, नहीं आसान होगा। जब दो दो आँख खुला रहेगा तब उसको कैच करना आसान होता है। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। अब इमेजिन करो कैसा होता अगर तुम्हारा जहाँ पे कान है वहाँ पे तुम्हारा आँख होता, तो थोड़ा सा मज़ा भी आता, क्योंकि हम दोनों दो तरह की चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, दोनों एक साथ दिख जाता। लेकिन क्लियरिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि हम अभी जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्या देखे कि एक आँख से देखने पे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है। और अगर मुझे फोकस करके देखना होता तब क्या करते, तब तो प्रॉब्लम हो जाती। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन, तब तुम क्या करने में सक्षम होते? विच कैन नॉट डू नाउ, विच यू कैन नॉट डू नाउ, जो तुम अभी नहीं कर सकते। अभी क्या है, हम एक बार में एक तरफ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर हेड के दोनों साइड अगर आँख रहता तो क्या होता, हम दो दो चीज़ें एक साथ देख सकते थे। क्या है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षियाँ जो है, लाइक काइट्स, चील, ईगल, बाज, वल्चर्स, गिद, कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, हमसे जितना हम देख पाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा देखता है। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter। जिस चीज़ को हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, सेम चीज़ को ऊपर जो मैं बर्ड्स का नाम बताया, काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स, वो 8 मीटर की दूरी से देख सकता है, क्योंकि वो हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकता है। नाउ यू कैन गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब तुम गेस कर सकते हो कि ईगल जो है वो आकाश से कितनी दूरी से, आकाश में कितनी दूरी से जमीन पे रखी रोटी को देख सकता है। बहुत दूरी से देख सकता है, इसीलिए वो ऊपर से ही देख लेता है कि जमीन पे, ग्राउंड पे रोटी कोई खा रहा है या रोटी रखा है। डू एनिमल सी कलर्स, अब अगला टॉपिक क्या है, क्या जानवर कलर को देख पाता है? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, जानवर उतना रंगों को नहीं देख सकता है जितना हम लोग देखते हैं। सी व्हाट थिंग्स इन दिस फिगर विल बी सीन बाय सम एनिमल, ये जो एनिमल हम देख रहे हैं उसको कैसा कलर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये थोड़ा कलर दिखता है, ये कलर दिखता है।
इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल दिन को जगे रहते हैं, जो दिन में जगते हैं, वे कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। और जो एनिमल्स सिर्फ रात को जगते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर देख पाते हैं। शार्प ईयर, इन क्लास फोर यू रेड डैट वी कैनॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर। क्लास चौथी क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बर्ड्स के ईयर को, पक्षियों के कान को हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स। उसके जो कान होते हैं उसके जो कान है वो स्मॉल होल्स होते हैं और वो पंख से ढके होते हैं, इसलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते। राइट, द एनिमल ऑफ टेन, द नेम्स ऑफ टेन एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे 10 जानवर का नाम बताओ जिसके तुम ईयर देख सकते हो, जिसके कान तुम देख सकते हो। द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन आवर आइज। कुछ ऐसे जानवर का नाम लिखो जिसका जो कान है वो हम लोगों से बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में है एलिफेंट, हाथी। थिंक, अब सोचो, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या कुछ संबंध है उस एनिमल के कान के साइज में और उसके सुनने की क्षमता में। ट्राई दिस, फॉर दिस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करना है, फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अपने स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. Tell one of your friends, अपने किसी एक दोस्त को बोलो to stand at a short distance, कि कुछ दूरी पे खड़े हो जाए, and ask him to say something softly, और उसको बोलो कि कुछ softly बोले, आराम से बोले। The rest of you should listen carefully, बाकी तुम लोग उस बात को ध्यान से सुनो। Then all of you put your hands behind your ear. उसके बाद तुम सभी अपने हाथ को कान के पीछे रख लो, जैसे ये बच्ची रखी हुई है अपने हाथ को कान के पीछे, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Let the same child say something again as softly as before. फिर से उस बच्चे को बोलो कि जो पहले बोला था जितना softly आवाज़ में, जितना कम आवाज़ में, फिर से उसी आवाज़ में बोले। In which case was the sound sharper? Ask your friends to. किस केस में साउंड को सुनना शार्प था, आसानी से सुन रहा था, और अपने दोस्त को से भी पूछो। Obviously जब हम कान को पीछे से मोड़ के सामने रखते हैं तो उसमें ज़्यादा आवाज़ें जाती है, तो कान को मोड़ के रखने में हम ज़्यादा सुन पाते हैं। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own words? हाँ, हम अपने आवाज को सुन सकते हैं। Sit near a desk. एक डेस्क के नज़दीक बैठो। Tap the desk once with your hand. एक बार अपने हाथ से टैप को नॉक करो, उसको टैप करो। Listen carefully और ध्यान से सुनो। Put your ear on the desk as shown in figure. अब अपने कान को कहाँ पे रखो? डेस्क पे रखो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? क्या टैप के साउंड में कोई चेंजेस था जो हम पहले बोल रहे थे और अब नॉक करके बोल रहे हैं? तो This is how snake hear. ऐसा सांप जो है वो ऐसे ही सुनता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, उसके पास बाहरी कान नहीं होते हैं सुनने के लिए। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड, वो केवल ग्राउंड का वाइब्रेशन चेक करके समझ जाता है कि
कहीं से साउंड आ रही है। साउंड सेंड मैसेज, साउंड जो है वो मैसेज भेजता है। हाई अप ऑन ए ट्री, ट्री के ऊपर। ए लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक ए टाइगर और लेफर्ड। जो लंगूर और अदर जानवर जो होते हैं वो वार्न कर देता है किसी डेंजर चीज़ से, कि अगर टाइगर आ रहा है या लेफर्ड आ रहा है, तो वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ लंगूर एक अजीब आवाज़ निकाल के उन लोगों को अलर्ट कर देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। ऐसा लंगूर कैसे करता है, एक स्पेशल वार्निंग कॉल निकालता है, एक विशेष तरह की आवाज़ निकालती है जिससे सारे के सारे जीव जो हैं वो अलर्ट हो जाएं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। पक्षियों भी जो होती है वो भी डेंजर से चेतावनी के लिए अलार्म कॉल देती है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। कुछ बर्ड्स हालांकि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डेंजर के लिए अलग अलग साउंड निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। अगर कोई एनिमी स्काई में है तो उसके लिए अलग साउंड निकालता है, अगर कोई एनिमी ग्राउंड पे है तो वो पक्षी जो है उसके लिए अलग साउंड निकालेगा। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस कैसे अलार्म कॉल देता है अपने कलीग को, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है तो कुछ एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करने लगता है, अलग तरह का बिहेव करने लगता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो लोग जंगल में रहते हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एनिमल का बिहेवियर जब कोई डेंजर आने वाला होता है तब। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो लोग जंगल में रहते हैं वो इस एनिमल के बिहेवियर से समझ जाते हैं कि कुछ डेंजर आने वाली है। जैसे मछलियों को देखो, मछलियों को भी पहले पता चल जाता है कि डेंजर आने वाला है। इन दिसंबर 2004 के दिसंबर में फ्यू ट्राइब्स डैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ एन अंडमान आईलैंड नोटिस्ड द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। कुछ ट्राइब्स जो थे, कुछ आदिवासी जो थे जो जंगल में रहते थे, वो नोटिस किया कि सम एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, कुछ जानवर दूसरे टाइप का बिहेव कर रहा था, अलग टाइप का बिहेव कर रहा था। दे गेस्ड सम डेंजर, तो वे लोग समझ गए कि कुछ डेंजर है, कुछ खतरा है। सो दे मूव्ड अवे टू ए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, इसलिए वे आइलैंड के सेफ पार्ट में पहुँच गए। Soon after the island were hit by a tsunami, but these people were saved. उसके ठीक बाद ही एक सुनामी आइलैंड को हिट किया और ये सारे लोग बच गए। तो क्यों बच गए, क्योंकि वो गेस किए, वो नोटिस किए एनिमल की एक्टिविटी। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो है वो भी डिफरेंट साउंड, अलग टाइप का साउंड निकालता है एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज भेजने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव डैट मेनी एनिमल हैव टू स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट मानते हैं ऐसा कि मेनी एनिमल हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, कि बहुत सारे जो पक्षी हैं उसके, एनिमल जो हैं उसके अपने भाषा होते हैं।
उसका अपना भाषा होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगले क्लास में।